नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। वो मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर मालथोन तहसील के पटवारियों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने की घोषणा की। ज्ञापन में लेख किया है, पूर्व में ज्ञापन दिए गए थे कि समान कार्य समान वेतन के आधार पर मध्य प्रदेश के पटवारियों को 2800 ग्रेड पे दी जाए। पटवारियों के पास संसाधन की कमी है तथा विशेष भर्ती अभियान अंतर्गत नियुक्त 500 राजस्व निरीक्षकों द्वारा सीमांकन कार्य नहीं किए जाने से पटवारियों पर पूर्व से अत्यधिक कार्य होने व अन्य विधिक व्यवहारिक कारणों से प्रदेश में पटवारी द्वारा सीमांकन कार्य नहीं किया जाएगा। अतः जब तक पटवारियों की मांगे पूरी नहीं की जाती एवं समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तब तक प्रदेश का पटवारी सीमांकन कार्य नहीं करेगा और न ही सीमांकन कार्य में किसी प्रकार का सहयोग करेगा। किंतु इसके बावजूद प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला कलेक्टरों द्वारा पटवारियों द्वारा सीमांकन कार्य नहीं किए जाने से उन पर निलंबन आदि कार्यवाहियां की गई हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताजा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।